नहीं, प्रोफेसर शिजा कहती है मुझे एडमिशन फीस नहीं चाहिए। अगर ज्यादा तंगी है किताबें फीस माफ, बच्चा पढ़ सकता है, मुझे पढ़ाई बच्चे की देखनी है ताकि वो आने वाला मुस्तकबिल उसका कुछ बेहतर हो सके। मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, और अब मुझे बनाने के बारे में वो खुद ही कहे कैसे बनाया तुमने। जैसे हर माँ अपने बच्चे को बनाती है, मैं कहना चाहूंगा अपने मुल्क के दानिश्वर रईस ज़ादों के बारे में कि जो उनसे नाम के दानिश्वर हैं, अगर आज हमारे लिए कुछ कर देते तो आज हमारे बीच में भी एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट जैसे बच्चे मौजूद होते और रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी मौजूद होते। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मैं बस यही कहना चाहूंगा। अपने स्पीच के लिए दावत देने जा रहा हूं आकिब को कि वो स्टेज पर आए और अपनी प्यारी सी आवाज से आए हुए नाजरीन को अपनी आवाज का जादू दिखाएं। आकिब को जो कि स्टेज पर आए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं यहाँ पर कोई स्पीच नहीं करने आया, मैं दरअसल मैंने स्पीच रेडी ही नहीं की अपने लिए, मैं सिर्फ अपने दिल की बात आप लोगों से करने आया हूँ। कि बच्चा था छोटा सा, गंदा बच्चा, ये समझ लें कि गरीब घर का, कहने को वो बच्चा था लेकिन बहुत अमीर घर से ताल्लुक रखता था, कहने को पैसा बहुत था उसके पास, माँ बाप भी अच्छे थे लेकिन गरीबी की तरह वो रहता था। गरीब बच्चों से ज्यादा उसने बदतर जिंदगी गुजारी। कभी ऐसा होता था उसे वॉशरूम नहीं जाना आता था, नाक नहीं साफ करना आता था, कपड़े तक उसे पहनने नहीं आते थे, लोगों में उठना बैठना नहीं आता था उसे, बात करनी नहीं आती थी। वो फिर बड़े बड़े स्कूलों में गया, काफी हाई क्वालिफाइड स्कूलों में भी गया पढ़ने के लिए, उसे कुछ नहीं आया। वो सबसे मुख्तलिफ, सब बच्चे उसे कहते थे तुम हमसे दूर हो जाओ, वो और कोई बच्चा नहीं वो मैं हूँ। आप लोगों के सामने मैं जिंदा मिसाल खड़ा हूँ कि इस फाउंडेशन ने मुझे जो बनाया है मैं शायद आपको बयां भी नहीं कर सकता। एक 10 साल का बच्चा जिसे कपड़े नहीं पहनने आते थे, वॉशरूम नहीं जाने आता था, इस फाउंडेशन में आया। आने के बाद ऐसा लगा, मुझे उम्मीद ये नहीं थी कि मुझे प्यार मिलेगा, पर यहाँ आने के बाद उम्मीद हुई कि हाँ प्यार है, जज्बात कोई चीज है, एहसास कोई चीज है, एतबार कोई चीज है, वही सब मुझे यकीन दिलवाया प्रोफेसर शिजा ने। जिनको मैं अपनी माँ का दर्जा देता हूँ, हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब बीए शाकिर साहब जो कि तशरीफ ला चुके हैं, हमको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और उनके साथ आने वाली बाकी टीम को भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। जनाब बीए शाकिर साहब जो कि तशरीफ ला चुके हैं, ये सब मुझे बनाने के लिए मेरा सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया प्रोफेसर शिजा ने। मैं उनको माँ का दर्जा देता हूँ कि मैं सोचता हूँ अगर मैं उनके पास ना होता तो आज भी मैं छोटे बच्चों की तरह यहीं कहीं खेल रहा होता। मुझे यहाँ पर बनाया उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ, मैं काफ़ी अमीर घर से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने अपने हर शौक पूरे किए हैं लेकिन कभी वो खुशी नहीं मुझे मिल पाई जो इस फाउंडेशन में आके मुझे मिली। ईमान फाउंडेशन, जब मैंने इससे पूछा ये ईमान फाउंडेशन का आपने आगाज क्यों किया है, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी है स्पेशल चाइल्ड ईमान, एक स्पेशल बच्ची का दुख, स्पेशल बच्ची का दुख माँ ही जान सकती है। यही सोच के उन्होंने गरीब बच्चों के लिए फाउंडेशन शुरू किया। दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क में 27% ऐसे बच्चे हैं
10 साल की उम्र में 15 साल की उम्र में जो नौकरी करते हैं, जो मुलाजमत करते हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, जो काफी हाई क्वालिफाइड स्कूल की फीस नहीं दे सकते, काफी ऐसे माँ बाप होते हैं कि कहते हैं क्या फायदा पढ़ाकर, एनी फीस तो मैं की करनी है, फीस इतो ज्यादा मेरा पुत्र कमा लेगा, महीने में इससे ज्यादा मेरा बेटा कमा लेगा, आपको क्या फीस दो हम? नहीं, प्रोफेसर शीजा कहती है मुझे एडमिशन फीस नहीं चाहिए, अगर ज्यादा तंगी है किताबें फीस माफ, बच्चा पढ़ सकता है, मुझे पढ़ाई बच्चे की देखनी है ताकि वो आने वाला मुस्तकबिल उसका कुछ बेहतर हो सके। और एक शायर ने क्या खूब कहा था, कौन कहता है तालीम महंगी है, कौन कहता है गरीब तालीम नहीं ले सकता, हाँ मैं पढ़ा हूँ एक छोटे से स्कूल से, हाँ मैं पढ़ा हूँ एक छोटे से स्कूल से, लेकिन मुझसे लिखवाने हाई क्वालिफाइड स्कूल आते हैं, लेकिन मुझसे लिखवाने हाई क्वालिफाइड स्कूल आते हैं, मैं नहीं जानता मैं कैसे आया हूँ यहाँ तक, मैं नहीं जानता मैं कैसे आया हूँ यहाँ तक, मैं वही गलियों में खेलता बच्चा था जो उंगली फर के उस्ताद ने चलना सिखाया है। अब मैं कहना चाहूंगा अपने मुल्क के दानिश्वर रईस ज़ादों के बारे में कि जो उनसे नाम के दानिश्वर हैं, अगर आज हमारे लिए कुछ कर देते तो आज हमारे बीच में भी एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स जैसे बच्चे मौजूद होते और रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी मौजूद होते। हमारी मैंने देखा है काफी हाई क्वालिफाइड स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश को आजकल हर जगह तालीम का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ एक महज लैंग्वेज है। हमारे बच्चों की मादी जबान उर्दू है, हमारी भी मादी जबान उर्दू है, अब बच्चों के साथ क्या जुल्म होता है, इतना चलो पुत्र पढ़ ए अलिफ बा ता छठी सोलहवीं जमात, छठी जमात तक ये पढ़ाया जाता है उन्हें, छठी जमात के बाद पढ़ो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये रट्टा बनता है हमारे लिए। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज बच्चों की लैंग्वेज एक रखें, उर्दू रखें या इंग्लिश रखें, ये उनके लिए मुश्किल हो रही है कि वो 6-7 साल उर्दू पे खपे, खपने के बाद उन्हें कह दीजिए कि ये कोई लैंग्वेज ही नहीं है, आप इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। मैं बस यही कहना चाहूंगा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और मुझे बनाने वाली प्रोफेसर शीजा शेख हैं, मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, और अब मुझे बनाने के बारे में वो खुद ही कहेंगे कैसे बनाया तुमने, जैसे हर माँ अपने बच्चे को बनाती है। ये मेरे दिल की बात थी, बस मैं किसी स्पीच की नीयत से अभी भी बता रहा हूँ, मैं स्टेज पे नहीं आया, मेरे सिर्फ एक दिल की बात थी जो मैंने आप लोगों के सामने की, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। शुक्रिया।